We are now ready to launch the Ease of Doing Business Grand Challenge. With this Grand Challenge, we are seeking innovative ideas from all stakeholders to suggest alternate government processes based on cutting-edge technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, big data analytics, etc., to eliminate physical interface, enhance transparency, and reduce costs and time. The Grand Challenge will be run on the Startup India portal from today till the 1st of January 2019, and the results will be announced on the 1st of February 2019. Apart from the cash awards, winners will work with dedicated teams from the nodal departments for solution development and implementation. 7 problem statements have been identified for this challenge. May I now request Honorable Prime Minister to kindly launch the Ease of Doing Business Grand Challenge. May I request Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to enlighten and inspire the gathering. Vitt Mantri Shriman Arun Jaitley Ji, Commerce and Industry Mantri Shri Suresh Prabhu Ji, World Bank Vice President Mr. Schaefer, Anand Mahindra Ji, Rakesh Shah Ji, Soumitra Bhattacharya Ji, Vicky Goenka Ji, Ramesh Bharti Ji, उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, आप सभी का लोक कल्याण मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पीछे एक कारण, आपसे मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं देना तो है ही, आपको बधाई भी देनी है, आभार भी व्यक्त करना है कि आपने देश को एक असहज की स्थिति से निकालकर सम्मानजनक स्थिति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यहाँ उपस्थित और जो उपस्थित नहीं है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे असंख्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोग, पोर्ट एयरपोर्ट पर क्लियरेंस लेने वाले अधिकारी कर्मचारी और साथ ही उद्योग जगत के आप लोगों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है कि साढ़े चार साल पहले जब मैंने पहली बार कहा था कि आने वाले वर्षों में हम टॉप 50 में होंगे, तो बहुत से लोगों को एक लक्ष्य कल्पना से परे लग रहा था। 2014 से पहले जिन्होंने जिस तरह की नीतियों और निर्णयों में अस्थिरता देखी थी, पॉलिसी पैरालिसिस देखी थी, उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि भारत टॉप 100 में भी जगह बना सकता है। मैं ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं मानता जब हर रोज भ्रष्टाचार घोटालों की खबरें आ रही हो, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, फिस्कल डेफिसिट बेकाबू हो, दुनिया भारत से ये कह रही हो कि आप तो डूबेंगे ही, अन्य दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी ले डूबेंगे, तो इस तरह का अविश्वास स्वाभाविक है। लेकिन 4 साल के भीतर देश में जो 180 डिग्री चेंज आया है, वो आज आप भी देख रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम 142 रैंक से अब 77 के रैंक पर आ गए हैं, करीब करीब आधा पार कर लिया है। साथियों, सिर्फ 4 साल में 65 अंकों का यह उछाल, ये किसी भी देश के लिए रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर है, जबकि सिर्फ 4 साल पहले हम 6ठे नंबर पर थे। लगातार दूसरे साल भारत इस तरह का सुधार करने वाले टॉप 10 देशों के लिस्ट में शामिल हुआ है। पिछले 7-8 साल में और किसी देश ने सिर्फ 2 वर्षों में 53 रैंक का सुधार नहीं किया है। साथियों, जो दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो हमने करके दिखाया है। टॉप 50 का लक्ष्य हासिल करने से हम सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़े हैं। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि भारत ने 10 में 8 मानकों में अपना प्रदर्शन सुधारा है। 2 मानकों में तो हमने
100 रैंक से ज्यादा की छलांग लगाई है। साथियों, देश में बदलाव का वातावरण लाने, रैंक सुधारने के लक्ष्य पर हम निरंतर राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और मजबूत करते हुए हमारी राज्य सरकारों ने इसमें पूरे उत्साह से भागीदारी की है। अब हम जिला स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों को लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मार्ग कैसे तय होगा, इस बारे में राज्य सरकारों से, हर स्टेक होल्डर से निरंतर संवाद किया जा रहा है। राज्यों में जिला स्तर पर एक रैंकिंग सिस्टम बनाने का भी प्रयास हो रहा है। कोशिश की जा रही है जिलों के बीच भी रैंकिंग को लेकर के आपसी स्पर्धा हो, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो। साथियों, बिजनेस, व्यापार या उद्योग हमारे देश की एक जरूरत है, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोजगार चाहिए और कर पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी चाहिए। ये सब तभी संभव है जब इन्वेस्टमेंट हो, उद्योग व्यापार सही दिशा में सही गति से चले और आम आदमी को उसका लाभ मिले। इसके लिए हम पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस और प्रिडिक्टेबल ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज पर जोर दे रहे हैं। हमारा प्रयास डिस्क्रिशन कम करने पर है। आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा और इस बात की जानकारी भी होगी कि वर्ल्ड बैंक की ये रैंकिंग उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर के नहीं ली जाती जो हम कर रहे हैं। रैंकिंग का मूल्यांकन तो कुछ ही पैरामीटर्स के आधार पर होता है, जबकि हमारी रिफॉर्म्स, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रणनीति उससे भी जरा व्यापक है, बहुत बड़ी व्यापक है। सच पूछिए तो हम जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसका लक्ष्य वर्ल्ड बैंक रैंकिंग से आगे बढ़ करके है। देश के आम नागरिक, आम व्यापारी और छोटे छोटे उद्यमियों के जीवन में, कामकाज में सरलता आए, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधर रही है तो इसका मतलब है हमारे देश में छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी कारोबार करना आसान हो रहा है। उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में सामान भेजने में आसानी हुई है। लोगों को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो रहा है। सरकारी मंजूरियां जल्दी मिल रही हैं, जरूरी परमिट जल्दी मिल रहे हैं। ये वो प्रयास हैं जिनको देशवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से प्रेरणा मिली है, जिनमें देश की आवश्यकता के विधान रखा गया और देश की उम्मीदों का भी। साथियों, देश के बिजनेस एनवायरनमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हमारी सरकार ने सोच भी बदली, अप्रोच भी बदली, चाहे जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, बेनामी संपत्ति कानून हो, इंसॉल्वेंसी कोड हो, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा कानून हो, ये सब इसी प्रतिबद्धता के उदाहरण है। सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से देश में भ्रष्टाचारियों में खौफ आया है, ईमानदारी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब अधिक से अधिक लोग टैक्स देने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि सरकार उनके टैक्स का सही इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि सारे सुधार, सारे फैसले इतने आसान नहीं थे। तकनीक में बदलाव करना, कानून से लेकर सॉफ्टवेयर तक बदलना, और कभी कभी सॉफ्टवेयर बदलना सरल होता है, स्वभाव बदलना जरा ज्यादा मुश्किल होता है। इन सुधारों के लिए सिस्टम को तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन बहुत कम समय में हम ये करने में सफल रहे हैं। अनेक स्तर पर उलझे सिस्टम को आज हम बिजनेस और सिटीजन फ्रेंडली बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल में देश में 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया जा चुका है। पहले देश में कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सुलझाने में औसतन 1500 दिन लग जाते थे, 1500 दिन यानी करीब करीब 4 साल। तमाम प्रयासों के बाद
इसे अब कम करके 400 दिन पर लाया गया है। इसे और कम करने की कोशिश जारी है। इंपोर्टेड सामान की क्लीयरेंस में 2014 से पहले औसतन जहां 280 घंटों का समय लगता था, वहीं अब यह समय घटकर 144 घंटे से भी कम रह गया है। इसे भी और कम करने का प्रयास हम करके रहेंगे। पर्यावरण मंजूरी से मिलने में पहले वर्षों और महीनों लग जाते थे, अब वैसी मंजूरियां ऑनलाइन और वो भी कुछ ही हफ्तों में मिल जाती है। अभी हाल में ही कंस्ट्रक्शन और अन्य सामान्य कामों के लिए पर्यावरण मंजूरी के काम को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करके स्थानीय निकायों को दे दिया गया है। जीएसटी ने देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को भी मजबूत किया है। पहले के मुकाबले अब टर्न अराउंड टाइम उसमें भी करीब करीब 15% की कमी आई है। इससे समय भी बच रहा है और कंपनियों का पैसा भी बच रहा है। श्रम कानूनों का पालन करने के लिए पहले उद्यमियों को 50-60 अलग अलग रजिस्टर भरने पड़ते थे। हमारी सरकार अब इन रजिस्टरों को कम करके 5 पर ले आई है। यानी जो काम पहले 50-60 रजिस्टर में होता था, वो अब 5 में हो रहा है। पुरानी व्यवस्था अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गई है। इसी तरह जिस पासपोर्ट को बनाने में पहले 3-4 हफ्ते लग जाते थे, वो अब 1 हफ्ते से भी कम समय में मिलने लगा है। पहले लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के लिए 8-10 महीनों का इंतजार करना पड़ता था, अब वही काम कुछ हफ्तों में हो रहा है। आपको भी याद होगा कि 4-5 साल पहले अक्सर ये खबर हेडलाइन बनती थी कि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट हैक हो गई है। हमने उस प्लेटफॉर्म को भी ज्यादा ट्रैफिक के लिए अपडेट कर और अपग्रेड किया गया, जिससे लाखों करोड़ों रेल यात्रियों को सुविधा हुई है। गली से रेलवे प्लेटफॉर्म तक सफाई अभियान, कचरे का निपटारा, यह सब देश के सामान्य मानवी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए है। महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने कानून में बदलाव किया। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे उद्यमी देर तक अपनी दुकान खुली रख सकें, इसके लिए भी कानून बदला गया। साथियों, हाल ही में एक बड़ा प्रयास हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए भी किया है। जीएसटी से जुड़े छोटे कारोबारियों को अब 1 करोड़ तक का लोन सिर्फ 59 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने, मार्केट का दायरा बढ़ाने और लाइसेंस और जांच से जुड़ी उसकी परेशानी कम करने के लिए भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो उद्यम या कंपनियां नौकरी के नए अवसर बना रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इस योजना के तहत सरकार नई नौकरी का अवसर बनाने पर 3 वर्ष के लिए 8.33% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार खुद अपनी तरफ से कर रही है। सरकार ने अप्रेंटिस एक्ट को भी बदला है और नई अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत इंडस्ट्री जब अप्रेंटिस रखती है तो उनको दिए जाने वाले स्टाइपेंड की 1/4 राशि सरकार देती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज इन व्यवस्थाओं से जुड़ रही है। साथियों, मैं वास्तव में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं। उसी का परिणाम है कि दुनिया में भारत की वर्तमान में जो साख है, उसको इस बात से भी मजबूती मिल रही है कि हमारा देश लगातार सुधार के पथ पर चल रहा है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। IMF हो, मूडीज हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या अंगताड़ हो, इन सभी संस्थाओं के मूल्यांकन में
भारत का स्थान या तो ऊपर जा रहा है या जा चुका है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सारी संस्थाएं हमारे सुधारों की प्रक्रियाओं और रफ्तार को देखते हुए भारत के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त और आशावान है। साथियों, देश में निरंतर हो रहे इन प्रयासों के बीच अब हमारा प्रयास भारत को जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन के क्लब में पहुंचाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर को सुधारना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अब तमाम सेक्टरों की परिभाषा भी बदल रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग से कुछ फैक्टर सर्विस को सुधार देते हैं। नई तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहद जरूरी हिस्सा बन चुकी है। इस बदलाव को हमें ध्यान में रखना ही होगा। साथियों, बुनियादी बदलावों को बेहतर ढंग से लागू करने और वास्तविकताओं को विकास में समाहित करने के लिए सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम कर रही है। एक ऐसी नीति जो नए मायनों में इंडस्ट्री को समझ सके और इंडस्ट्री को नए आयाम समझा सके। यह औद्योगिक नीति न्यू इंडिया के उद्यमी के न्यू विजन के अनुरूप होगी। इस औद्योगिक नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व बना रहेगा। साथियों, अब हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप 50 में आने के लिए मिलकर के प्रयास करना ही है। आने वाले दिनों में मैं खुद इस विषय से जुड़े अलग अलग विभागों के साथ रिव्यू मीटिंग करने वाला हूं। दिसंबर तक हम जो फैसले जमीन पर उतार पाएंगे उसका प्रभाव अगले साल रैंकिंग के नतीजों में जरूर दिखेगा। क्लीन एनर्जी का सेक्टर हो, डिजिटल वर्ल्ड हो, हेल्थ सेक्टर हो, मोबिलिटी हो, हर क्षेत्र में किए गए आपके प्रयास देश को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज के सिस्टम में तमाम प्रक्रियाओं में ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम आधुनिक तकनीकी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ाएं, जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाएं, एक ऐसा वर्क कल्चर विकसित करें जिसमें फॉर्म जमा करने, दस्तावेज दिखाने या फीस जमा करने के लिए सरकारी दफ्तर या किसी और एजेंसी के ऑफिस में जाने की जरूरत ही न पड़े। इस तरह का वर्क कल्चर पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस को और सशक्त करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए हमें आपके सुझावों की बहुत आवश्यकता है। साथियों, इस समय आप में जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर सलाह का, सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। और अभी महेंद्र जी बता रहे थे, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो टारगेट तय नहीं करते उस प्रकार से मोदी कर रहे हैं। हम गुजरात के लोगों को बचपन से सिखाया जाता है और शायद हर बच्चे को सिखाया जाता है, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। यानी आप अगर टारगेट मिस करते हैं तो माफ किया जा सकता है, लेकिन टारगेट अगर नीचा रखते हैं तो माफ नहीं किया जा सकता। और मेरा ये मंत्र रहा है कि लक्ष्य जब तय करें वो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। लगना चाहिए हाँ मैं थोड़ा जंप लगाऊंगा तो पकड़ लूंगा, थोड़ा जंप लगाऊंगा तो पकड़ लूंगा। विश्वास होना चाहिए पहुंच में है, ज्यादा दूर नहीं है। इस साइकोलॉजी का उपयोग करते हुए मैं टारगेट तय करने की आदत वाला हूं। मुझे विश्वास है कि देश के अंदर यह मूड बना है, इस मूड का परिणाम भी मिल रहा है। और एक बार फिर आप सभी को बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।